loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. I need loving. Me, myself, ain't enough. If I can't get up to a crushing heart, I want you to know how bad it hurts. पूरी हो गई मम्मी साफ सफाई? मम्मी घर की हो गई? अच्छा तो बस हमें अब लाइट और लगानी है, हैं? ठीक है फिर लाइट लगा। तो जी सारी लाइटिंग्स है और सारी लाइटिंग्स निकालते चेक करते हैं कि करके और फिर लगाना स्टार्ट करते हैं, है ना? नहीं कैसे भी तो देखते हैं कौन कौन सही है। ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं साल मेरे के लिए, तो आई होप लेके ना नहीं पड़े, काफ़ी सारी हैं चेक करते कर करके ख़राब होगी तो फिर देखेंगे। और वी चेक दिस लाइट, लेट मी ग्लो दिस। हाँ ये चली नहीं है? हाँ चल रही है, चल रही है, चल रही है भाई। बल्ब बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। चलो चल रही है, एक तो सही है, अब और भी देखते हैं। चालू करते हैं लाइटिंग करना, और वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, अभी नहाए भी नहीं है, नहाना भी है, 12:30 बज चुके हैं, 1:30 बज गए अब तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, उसमें टाइम लग जाएगा एक घंटा, फिर करते हैं। आ रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। चुकी हैं, फिक्स करना बाकी रह गया है, थोड़ी सी रह गई है। दिवाली बनने से पहले ही मिठाई खाई जा रही है। मम्मी ने अभी भी बनाई है गुलाब जामुन। मम्मी कितना टाइम लग गया गुलाब जामुन बनने में? एक घंटा लग गया। तो फाइनली मम्मी ने गुलाब जामुन बना लिए और हम खा रहे हैं गुलाब जामुन। बहुत बढ़िया है। स्वागत है आपका दोस्तों इस व्लॉग में, जो कि खास व्लॉग है, दिवाली व्लॉग। Come out, just show me loving. I need loving. Me, myself, ain't enough. If I can't get up to a crushing heart, I want you to know how bad it hurts. अच्छा लग रहा है सिटी में, देखते हैं चलिए घूमते हैं। कंटेंट नो या कंटेंट? दिस इज कंटेंट। हां अरे ये क्या?
चलो लगा 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 खत्म हो चुका है, कहने का मतलब पटाई खत्म हो चुकी है। कंटेंट है हमारे पास अभी कंटेंट छोटे मोटर अरे कंटेंट ले गया होगा मारने वाले हाँ जरे जरे देखो ये कुछ खाना पटाया कोई नहीं करेगा देखो ये माल है माल माल है ये कहते हैं माल ये 50 रुपये थोड़ा सा मिलता है ये 50 रुपये का थोड़ा सा मिलता है ना थोड़ा सा मिल रहा है हाँ तो बड़ा सेफ्टी से इस्तेमाल करना बहुत धमाका करता है बहुत शानदार चीज़ है एक बार देख के देखिए मज़ा आ जाता है ऐसे आदमी डरेगा जरूर ऐसे आदमी डरेगा जरूर आदमी और मेरे को तो दे इस पॉल्यूशन का गुनेगार रहे हैं सारे लोग सर कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं ये लोग ध्यान से दिखाइए शकल दिखाइए अपनी कल आपका अखबार में आएगा चेहरा अभी चल जाइए गजब बेइज्जती है गली हो चुकी है देखो भाई साहब लाइटिंग वाइटिंग सब जगह पर जगमग जगमग हो रखा है आप इंटरव्यू दीजिए नाम बताइए शहर बताइए कहाँ रहते हो बता जल्दी से इंटर तो तमीज से बता तमीज से पूरे नहीं है पूरे इंग्लिश में गलत कमेंट मत कीजिए यार अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो गुमनामी के समुद्र में हम रहते हैं तेरी पाव बता रहे हैं बाकी जो भाई हम इंटरव्यू चल रहे हैं भाई पहले आप ये बताइए कि जो 50 रुपए का जो माल हमने आपको दिखाया वो कैसा वो ठीक था लेकिन मजा नहीं आया आप बताइए हाँ मजा आया था मजा आया कि नहीं आया लेकिन लोग उससे डरे ही नहीं डराने के लिए नहीं है माल क्या लिए नशा होता है नशा होता है आप दिखाएंगे कहाँ है वो थोड़ा सा माल बचाएगा अपने दर्शकों को माल दिखा दे वो अभी तो नहीं हमारे पास खरीदने जाना थोड़ा सा दूर पड़ेगा अच्छा अच्छा दिखाएंगे थोड़ा हमने दिखाया है पहले आपके पास होगा रिकॉर्ड आप तो भाई साहब गुमशुदा आदमी थे अच्छा माल हाँ घर कहाँ से आया आपके पास अभी तो गुमशुदा थे आप घर मतलब थोड़ी हम लोगों ने घर बना रखे टाइम अच्छा अच्छा वो जो घर दिख रहा है वो जो घर दिख रहा है तेज लाइटिंग है बगल में नीचे जो टेंट लगा है जो नहीं दिख रहा हो वही वाला है अच्छा 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 आप दूसरी दुनिया में रहते हो बोला था गुमनामी के समुद्र में रहते हैं तो आप यहाँ पर कैसे आए रखते रहते हैं त्योहारों पर अलग अलग दिन अलग अलग बंजारा होली होली पे कहाँ जाओगे बंजारा ठीक है हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा उस तरफ निकलेंगे नाली में घूमे उस तरफ नाम है जगह का अच्छा उस तरफ नाम है जगह का खेरू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में खेरू जनजाति होती है एक वो दीपावली शोक मनाती है अच्छा अच्छा तो खेरू जनजाति दिवाली मनाती है इस दिन वो शोक मनाती है ऐसा क्यों ऐसा क्योंकि वो राम जी को नहीं मानते हैं वो रावण की पूजा करते हैं खेरू जनजाति वो तो श्रीलंका में होता है ना वो यहाँ पे कुछ जातियाँ ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी है दिवाली के मौसम में दोस्तों स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा दिन दिवाली आज है बेस्ट फेस्टिव फॉर मी एंड कुछ अलग ही मज़ा आता है जब दिवाली होती है नए नए कपड़े पहनते हैं बहुत मज़ा आता है दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो मतलब अलग ही है सबसे कुछ अलग ही मज़ा आता है इस दिन कुछ अलग ही फीलिंग होती है और सब लोग अपने जितने भी दुख दर्द हैं सारी परेशानियाँ हैं सब छोड़ के और दिवाली को बहुत ही ज़्यादा उत्सव से मनाते हैं और मज़ा आता है यार तो हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड लाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही होगी हाँ मैं ऊपर छत पर हूँ उस समय तो लाइटिंग तो अच्छी नहीं आ रही होगी पर हैप्पी दिवाली कहना था आप सबसे हैप्पी दिवाली